तीनों का अपना मजा है अपना एक महत्व है जी। आ, अगर मैं कॉमनैलिटी देखूँ कि क्या सामान क्या चीज है तो एक तो तीनों में सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए बिल्कुल। आ, सेना में ऑब्वियसली खेलों में बिना उसके आप आ, अचीव नहीं कर सकते और राजनीति के अंदर भी अगर सही तरह से आपको करना है तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है फिर भी सबसे ज्यादा किससे <laughs> मतलब छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं एक, <laughs> एक। क्योंकि मैंने जैसे पूछा था आपके दिमाग में तो आ गया था आपने देखो खेल खिलाड़ी खेल बचपन से खेल है एक जो आप बचपन से करते हो और खेल में एक ऐसी काबिलियत होती है कि वो सारी समाज की बनाई हुई जो इतनी भी सीमाएं होती है ना उसको पार कर देता है जो खेल की जो मैदान की बाउंड्री होती है जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं तो समाज की बनाई हुई सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है वहाँ पे सब फर्स्ट नेम पर आ जाते हो कोई सर नेम वगैरह सब खत्म हो जाता है सही बात है। और सीधे मेरिट पर आ जाते हो जैसे ही बोलो रौनक और मुझे टीम सेलेक्ट करनी है ना तो हम आस देखने लग जाएंगे कौन अच्छा खिलाड़ी उसको मेरी टीम में करो क्या बात है क्या बात है सर दो में जब आपने मेडल जीता था देश के लिए तो उस समय

लेकिन जितना मुझे प्यार मिला और जितना एक तरह से देश से एक आशीर्वाद मिला उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे याद है किसी एक स्विस चैनल ने मुझसे पूछा था कि आ, अगर आप जीतेंगे तो इंडिया में क्या होगा मैंने कहा कुछ नहीं होगा एक छोटा सा रिसेप्शन होगा फिर ख़त्म हो जाएगा <laughs> माहौल ही बदल गया और खेलो इंडिया शुरू हो गया टागेट ओलंपिक पोडियम शुरू हो गया अब तो पॉकेट अलाउंस मिलता है खिलाड़ियों को अच्छा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ पॉकेट अलाउंस तो Uh, कुछ खिलाड़ी uh, मेरे को आए बताने के लिए सर क्या शानदार चीज शुरू करी आपने मैंने कहा क्या बोलते सर, बोलते हैं सर सर वो पॉकेट अलाउंस अब पेरेंट्स कि जाके खेलो और <laughs> <laughs> तो बहुत बड़ा फर्क हो गया सही बात जो जो भी यूथ जो इस इस बातचीत को देख रहे हैं आप उनसे इस देश के बारे में क्या कहना चाहते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के लिए होनी शुरू हुई हैं और यूथ को कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में ध्यान देना चाहिए एक सैनिक होने के नाते एक खिलाड़ी होने के नाते एक नेता होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते से कभी नहीं नहीं डरना आप जब मुझसे मिले तो आपने 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 बोला बोला कि कि पदक जीता हुआ तो है मैं तो कि बेजती कितने लोगों की हुई हाथ खड़ा करो तो बहुत से लोगों ने हाथ खड़ा करा मैंने कहा होनी चाहिए और भी होनी चाहिए आगे लेकिन इस बेजती जब भी हो उस बेजिसी को उस ह्यूमिलेशन को अंदर ही रखो उसी समय जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है उसको अंदर एक न्यूक्लियर पावर की तरह रखो जो धीरे धीरे रिलीज करो सही दिशा so, में तो जिसमें रौनक शामिल है इज अ क्वेश्चन मार्क सर आपने यूथ को अलग अलग लेवल पर हर जगह पे बहुत इंस्पायर किया है मोटिवेट किया है एक ऐसा ही बंदा क्योंकि हम लोग रेड एफ़एम दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए हैं लेकिन एक ऐसा बंदा एक ऐसा लड़का जिसको आपने मोटिवेट किया वो जयपुर से उसको जो पता चला कि अब यहाँ आ रहे हैं आपसे मिलने यहाँ आ गया गाइस प्लीज स्टूडियो में बुलाया जाए उनको एम थ्री ऐसे कितने सारे टैलेंट है इंडिया में <laughs> राजस्थान में या कहीं पे भी और वो कहीं ना कहीं अलग अलग, अलग परेशानियों की वजह से ऊपर नहीं निकल पाते लेकिन हिम्मत चाहिए आगे निकलने के लिए लग तो नहीं रही नहीं।, <laughs> नहीं नहीं, 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 नहीं। <laughs> जयपुर से आ गए सर से मिलने बिल्कुल मैं आपको कुछ सुनाता हूँ सबको बिल्कुल जिंदगी खेल नहीं जिंदगी खेल नहीं नहीं नहीं, नहीं जिंदगी खेल नहीं जिंदगी खेल नहीं 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 हाँ खेले को खेल तो खेल मैं की बड़ा दबा रेल जिंदगी खेल नहीं जिंदगी खेल नहीं 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 जिंदगी खेलनी जिंदगी खेलती इससे जो खेले ये उसको पेलती जिंदगी मिली है एक अनेक नी तेरी है जिंदगी तुझे ही देखनी हाँ सेफनी जब तक तू घूमे बेकार में जिंदगी बनेगी खेल बाजार में दबता चला जाए छोटे आकार में कोई ना मिलेगा तुझे आधार में हाँ पर खेल जे मत मां से तू खेल तू मारो फूल और मैं थारो पिता थारा जया घना किया है सीधा गंडक का गाड़ा मैं घलैच फीता रेतीला समंदर को मैं चुच देखते oh. हैं कौन आया रेतीले समंदर से एम टी एच आर डबल ई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं रैप शायद छोड़ चुका होता uh -huh. ये तो सर की वजह से मतलब कि ऐसा है ना कि टेंशन नहीं रहती है क्या बात है करना है पीछे इनफैक्ट आर 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 विल सपोर्ट यू यू नो आर राजस्थान राज्यवर्धन सर एंड रेड मैं और <laughs> एक आर रौनक डोनर ठीक है वो लवली सुपर <laughs> <laughs> <Lovely. laughs> पर सर अच्छा आइडिया आई थिंक ये जो लोग देख रहे हैं ना उनको करना चाहिए और आई थिंक आपको इनिशिएट करना चाहिए और सबको ला के कुछ बट सर एक जो स्पेशल चीज इन्होंने बोली है ना कि मैं छोड़ चुका होता अगर आपका सपोर्ट नहीं होता या वो मतलब एक हिम्मत मोटिवेशन ही ये सत्य है जीवन का जब मैं ओलंपिक में जीत कर आया था तो लोग बोल रहे थे क्या टैलेंट है मैंने कहा नहीं मैं तो उनमें से एक लकी हूँ जो परिस्थितियों के वजह से दबा नहीं right. बहुत से मेरे से ज्यादा बढ़िया खिलाड़ी हैं और सिर्फ खिलाड़ी नहीं अपने जीवन में बहुत से लोग हैं जो ज्यादा काबिलियत रखते हैं लेकिन वो परिस्थितियों के वजह से आगे नहीं बढ़ पाए Correct. तो अब अगर हमें न्यू इंडिया बनाना है mm -hmm. तो न्यू इंडिया में ये जो परिस्थितियां हैं जो लोगों को रोकती हैं रोकती हैं हमें उनको रोकना है सो दिस इज व्हाट चेंज वी कैन ब्रिंग

<laughs> <laughs> तो सर डर गए कि क्या लिटाने की बात हुई सो थैंक यू गाइस थैंक यू प्लीज शेयर करना चैनल सब्सक्राइब करना थैंक्स यून डॉट बजाते रहो